हाय फ्रेंड, आशा करता हूँ आप सब ठीक है। आपके सारे बार से बहुत अच्छे। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने बंगाली फिल्म्स के ऊपर। आज का टॉपिक जो है, आप बंगाली फिल्म्स को कैसे फॉस्टर प्लेयर बना सकते हो। आपके पास अगर जेब्रा फिल्म्स है या बंगाली लॉन्ग टेल फिल्म्स है, कोई दूसरे कोई महंगा फिल्म्स है, तो उसका अंडा आप बंगाली के पास कैसे डालेंगे, मतलब कि आप कैसे बंगाली को रेडी करेंगे और दूसरे का अंडा लेने के लिए, दूसरे का अंडा सेकने के लिए, उसमें से बच्चे निकालने के लिए, वो यह आप लोगों को दिखाना है। तो पहले आप दिखा दूँ मेरा यहाँ पर जो तीन पीस बंगाली फिल्म रखा है, ये पूरा एडल्ट है, लेकिन ये मेल फीमेल है। एक दो बार अंडा भी दिया है लेकिन अभी अंडा नहीं है। तो इन लोगों को ये तो खुद का अंडा देती है, लेकिन इसको हम कैसे दूसरे बार्ड्स का अंडा देने के लिए रखेंगे, वही बताना है कि कैसे ये दूसरे बार्ड्स का अंडा एक्सेप्ट करेगा, यही उनको दिखाना है। ठीक है, आपको दिखाना है। ऐसे ही आप लोग किसी बार्ड्स का अंडा डाल दिए तो फेंक देगा बाहर, ख़राब कर देगा, अंडे पर नहीं बैठेगा। आपको महंगा फिन का अंडा होगा तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा ना, इसलिए पहले आपको क्या करना है, वो बंगाली फिल्म्स के साथ कि अब कभी भी जो किसी का अंडा डाले तो एक्सेप्ट करे। ठीक है, इसके लिए आपको ये देख सकते हैं, पहले नेस्ट बॉक्स लगाना है, इसके अंदर नेस्टिंग देनी है। वो लोग जब नेस्टिंग कर ले, अंदर नेस्टिंग करने के बाद 4-5 दिन के बाद आपको उसके अंदर, यहाँ पर पहले से मैंने कुछ अनफर्टिलाइज अंडा और बंगाली जेब्रा फिंच का मैंने अपने पास कुछ अंडा था जिसमें से बच्चा नहीं निकालेगा, एक ख़राब अंडा है। ठीक है, ये ख़राब अंडा और बंगाली फिंच के पास डालना है। ये ख़राब अंडा आप जब बंगाली फिंच के पास डालेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि इस अंडे को अंडे पर बैठना है। ठीक है, ये उसका मतलब ये अंडे जब बंगाली फिंच के पास आप डालेंगे तो वो लोग इस अंडे को सेकेगा। ये अंडे को आप नहीं भी सेकते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद भी अंडे पर बैठ जाए, 4-5 दिन उसके नेस्ट बॉक्स में रहेगा, एक रात दो रात, तो रात में बॉक्स में सोता है, एक रात दो रात रहने के बाद ये खुद वो लोग खुद इस अंडे को सेकेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। और ये अंडे जब आपका वो फिंच सेकने लगेगा तब आप किसी फिंच एक्जोटिक फिंच का अंडे इसके साथ चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इस प्यार का मेरा कोई भी अभी भी तो कोई अंडा नहीं दिया है। ये मैं 5 अंडा डालूंगा, ज़्यादा अंडा नहीं डालना है। ये खराब अंडे है इसलिए मैंने ऐसा ही डाल दिया। ठीक है, ये 5 मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो अभी भी 2-5 दिन के अंदर ये जो बंगाली फिंच है ये सारे अंडे को सेकने लग जाएगा, इस अंडे के ऊपर बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तब जाके आप किसी दूसरे प्यार का जेब्रा फिंच का या कुछ फिंच का अंडा इसके पास डाल सकते हैं। ये पहला टिप से कि आप दूसरे खराब अंडे डालें, वो अगर अंडे को नहीं सेकता, अंडे पर नहीं बैठता तो आपका लॉस हो जाएगा। इसलिए खराब अंडे डालेंगे तो उसमें नहीं बैठेंगे तो आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यही छोटा सा टिप्स है बंगाली फिंच को फॉस्टर प्लेयर बनाने का। बंगाली फिंच को फॉस्टर प्लेयर बनाने से पहले आपको ये चीज़ एकदम ध्यान में रखना पड़ता है कि आप पहले किसी अनफर्टाइल एग को उसके अंदर डालें, वो उस पर बैठना शुरू हो जाए, उसके बाद आपका एक्जोटिक फिंच का या जेब्रा फिंच का अंडा दे सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक दे देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।